मेरे शोहर का नाम जोसेफ नदीम है, हम शेरशाह के रिहायशी हैं। हमने सिर्फ जानी टाउन में तीन प्लॉट हैरिसन गुलजार से ख़रीदे, ये 2019 में हमने ख़रीदे और साथ ही हमने बाउंड्री वॉल और गेट भी अपना लगा लिया। हमारी 2020 में पेमेंट कंप्लीट हो गई तो हमने वहाँ पे उस प्लॉट को अपने घर बनाने के लिए सोचा। दो प्लॉट चर्च के पीछे हैं और एक प्लॉट सेपरेट है। वहाँ का मकामी पादरी सुहेल लतीफ, वो हमें ना अब हमारा घर बनाने देता है, जब भी हम बनाने की कोशिश करते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को लेकर आ जाता है और हमारे जो मिस्त्री काम कर रहे होते हैं उनको निकाल देता है। कभी सरजानी टाउन की पुलिस को बुला लेता है और सरजानी टाउन की पुलिस का सारा अमला उसके साथ मिला हुआ है, और जो सरजानी टाउन की चौकी है वहाँ की भी पुलिस उसके साथ मिली हुई है। हमारे मजदूर जब भी वो खुदाई करने लगते वो कुछ ना कुछ करता, वो आकर उनका काम बंद करवा देता और हमारे साथ लड़ाई करने की कोशिश करता। हम लड़ाके लोग नहीं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम उसकी पहले रिस्पेक्ट करते थे कि वो पादरी है, मगर उसने अपने पादरी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इस तरह के कई और पादरी उसके साथ मिले हुए हैं जो इस तरह का लैंड माफिया का कारोबार करते हैं, लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं और उसके बाद लोगों को तंग करते हैं। इसी तरह हमें 2 साल हो गए हैं, हमें इसने तंग करके रखा है और हमारा घर नहीं बनने देता। हम थाने गए, हमने SHO को, SSP को और कोर्ट में भी अपनी अपील दायर की, मगर कोर्ट में इसने अपने जेली कागजात बना के दिखा दिए। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया कि उसके पास भी पेपर है, उसके पास भी पेपर है, तो इसका फैसला HSO करेगी। HSO के पास हम गए, हम तकरीबन 1 महीने के बाद हमें वहाँ के जो अमला था, बड़ी मुश्किल से हमने असर रसूख निकाल के हमारी वहाँ तक SHO तक रसाई हुई, मगर उसने जब हमारे पेपर देखे तो उसने कहा पुलिस वालों को कि आप लोग ने क्यों नहीं मुझे बताया कि ये हम पेपर आए हुए। हमने उन्हें बताया कि हमने तो 1 महीने से रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे थाने में, मगर आपके थाने वाले हमें आप तक पहुँचने नहीं देते। फिर उसने SHO ने अपने हेड मोरल को कहा कि इसके खिलाफ, ये देखो यहाँ पे लिखा कि SHO फैसला करेगा, उसने कहा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने हमारी दीवार भी तोड़ी और अपने चर्च की दीवार भी तोड़ के अपना पीछे से उसने दरवाज़ा निकाला, जो कि कोर्ट के मुताबिक उसने कोड ऑफ कंटेंप्ट की है, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। इसके लिए भी हम वहाँ पर गए थाने में, मगर थाने वालों ने किसी पुलिस ने उसका हमारी बात नहीं सुनी और वो बस कहते हाँ हमें पता है कि उसने पीछे से दरवाज़ा निकाला है, हमें पता उसने तुम्हारी दीवार पर बोर्ड लगाया। उसकी पुलिस, सरजानी की पुलिस उसके साथ मिली हुई है क्योंकि वो लोगों को ना पैसा खिलाता है। बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे पादरी को और इस किस्म के पादरियों को प्लीज़ समझाएं कि इस तरह लोगों को तंग ना करें, रियाया को तंग ना करें, गलत बयानी से काम ना लें, किसी की चीज़ पर ना हक कब्जा ना करें, क्योंकि इससे खुदा नाराज़ होता है और खुदा ऐसा करने वालों को सज़ा देगा। और मेरा दावा है, मैं अपने खुदावंद के ऊपर उम्मीद रखती हूँ, यकीन रखती हूँ, मेरा ईमान है कि मेरा खुदा इस पादरी सुहेल लतीफ़ को बहुत सज़ा देगा। और मैं आप लोग सबसे इल्तमास करती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी हेल्प की जाए, हम तो थक गए हैं, दोनों मियाँ बीवी बीमार हैं, मेरा हस्बैंड कार्डियक पेशेंट है, 35% उसका हार्ट काम करता है, शुगर अनकंट्रोल है, मैं खुद अस्थमेटिक की मरीज हूँ, हम रात को 2-2, 2:30 बजे तक थाने का चक्कर लगा कर आते हैं, मगर थाने वाले नहीं सुनते। सरजानी की पुलिस तो टस से मस नहीं होती, कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ, तंग आके अब ये हमने वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो भी जो इसको देखो तो बराए मेहरबानी जो भी आपका हो आप प्लीज़ हमें आगाह करें कि हम क्या करें, हम किसके पास जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपके तामन का बहुत शुक्रिया।